रानी बनने के लिए इन तीनों राजकुमारियों को राजा के सामने तीन परीक्षा देना पड़ेगा। पहले पड़ाव में चार हट्टे कट्टे आदमी उनके सामने घंटियों से सजी एक यंत्र लेके आते हैं। राजकुमारियों को किसी भी घंटी को टच करे बिना उस यंत्र के बीच से गुजरना है। अलग अलग देशों की तीनों राजकुमारियां जिन्होंने हमेशा अपने शरीर पर शक्ति नियंत्रण बनाए रखा आसानी से पहली परीक्षण पर सफल हो जाते हैं। उनके प्रदर्शन से प्रसन्न होकर राजा ने तुरंत बुद्धि की दूसरी परीक्षा का व्यवस्था की। बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ सारे सवालों का सही जवाब देके तीनों ही राजकुमारियां इस पड़ाव को भी आसानी से पार कर लेते हैं। राजा अत्यधिक संतुष्ट होकर तीसरी यानी आखिरी पड़ाव के लिए आदेश देता है। इसके बाद कुछ प्रजा के राजकुमारियों के सामने एक टेबल और तीन कप में वाइन रखते हैं। वहां तीन कैदियों को बुलाया जाता है और उन्हें उस वाइन को पीने के लिए राजा आदेश देते हैं। जैसे ही वाइन को पिया तुरंत ही एक कैदी बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इसका मतलब इन वाइन में से एक वाइन में जहर था। अब बारी थी इन तीनों की।